मौदहा अंतर्गत NH-34 स्थित मगराव इंगोटा के बीच का है। बताया जाता है कि कांवड़ियां भरकर विदोखर से मौदहा आ रहा आपे UPT अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें सवार आधा दर्जन कांवड़ियां गंभीर रूप से घायल हो गए। चीख पुकार सुनकर राहगीरों ने घायलों को मदद करते हुए उन्हें CHC मौदहा में भर्ती कराया, जबकि आपे ड्राइवर घटना उपरांत मौके से फरार हो गया। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए CHC मौदहा से सदर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जबकि घायल राम बालक व पूजा CHC मौदहा में इलाज जारी है। स्थानीय निवासी द्वारा बताया गया कि चालक नशे का आदी है, वह नशा करके ही आपे चलाता है, जबकि घायल पूजा ने बताया कि आपे चालक तेजी से लहराता हुआ आपे चला रहा था, जिसे रोका भी पर नशे में धुत आपे ड्राइवर ने रफ्तार कम नहीं की। वहीं उक्त विषय पर कोतवाली मौदहा राजकुमार सिंह द्वारा बताया गया कि आपे ड्राइवर भी घायल हुआ है, जो मरहम पट्टी के बाद कोतवाली में मौजूद है। इसके अतिरिक्त वह नशे में भी नहीं था, जबकि ड्राइवर के बगल में बैठा राम बालक नशे में था, जिसकी दुर्गंध पर कांवड़ियों को शंका हुई कि ड्राइवर नशे में था। इसके अतिरिक्त दुर्घटना उपरांत कार्यवाही हेतु किसी घायल की ओर से कोई तहरीर भी नहीं आई। वहीं स्थानीय लोगों का मानना है कि नगर में बढ़ती आप दुर्घटना रोकने व बेलगाम ड्राइवर पर लगाम लगाने से स्थानीय प्रशासन असफल साबित हो रहा है। जी, आपका क्या नाम है? अमित। अमित भाई, कोई आप ही पलटा हुआ है, उसमें कितने लोग थे, कुछ जानकारी है आपको? 5 लोग थे। अच्छा अच्छा और ये 2 महिलाएं घायल हैं? ये हमारी बड़ी बड़ी उसी में बैठी हुई। क्या हो गया ऐसा आपे में कि वो पलट गया? सर, ड्राइवर नशे में। अच्छा, कितनी सवारी बैठी हुई थी? 7 सवारी। कहाँ पे घटना है ये? कहाँ पे पलटा, कहाँ घटना है? मकराव के पहले पलटा। इसमें कितने लोग रिफर हैं? 3। 3 लोग रिफर। क्या नाम है आपका? पूजा। ये जो ऑटो पलटा, उसमें कितनी सवारी बैठी हुई थी? 5 सवारी। ड्राइवर क्या बताया जा रहा नशे में था, आप बताएं जरा क्या मामला? नशे में तो था, गाड़ी एकदम इसने रोका नहीं। कितने लोग घायल हो गए हैं? 5 लोग घायल हो गए। कितने रिफर हैं? 3 लोग। कहाँ की घटना ये? एक्सीलेंट कॉलेज का।